इलेक्ट्रिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसके चलते हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। इधर पुलिस पे परिजनों की शिकायत पर आज प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी की कमला नेहरू नगर स्थित बंगले की तलाशी ली। इसके साथ ही अंसारी को बैठाकर पूछताछ भी की गई। एक वायरल ऑडियो में तैयब अंसारी का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही वह संदेह के घेरे में है। उधर परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर अनीता का शव उठाने के इनकार कर दिया है और भगत की कोठी पाली रोड स्थित वीर तेजा मंदिर पर धरना दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार अनीता मर्डर केस में अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। वही गुलामुद्दीन के बेटे और बेटी डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर, ब्यूटी पार्लर संचालक सहित अन्य महिलाओं से पूछताछ की है। पुलिस ने कई लोगों के मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिनके सभी डेटा की जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी फरार है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण श्री राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना बालेसर हल्का क्षेत्र के बालेसर कस्बा में हुई स्कॉर्पियो वाहन चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए शातिर लग्जरी वाहन चोर श्रवण देवासी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में लग्जरी वाहनों की हो रही चोरियों पर रोकथाम व वाहन चोरों की धरपकड़ हेतु जिले के सभी थानाधिकारियों व जिला विशेष टीम को विशेष निर्देश दिए गए हैं। श्री गोपाल सिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जोधपुर ग्रामीण के सुपरविजन व श्री रतन सिंह वृत्ताधिकारी बालेसर के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी श्री कन्नीदान छोटाओ नी एवं श्री नरपतदान और 00 थानाधिकारी बालेसर के नेतृत्व में डीएसटी के कानी 00 श्री सुरेश कुमार की आसूचना व तकनीकी डाटाबेस के आधार पर मुकदमा संख्या 151 दिनांक 5 जुलाई 2024 धारा 303/4B00S00 पुलिस थाना बालेसर में स्कॉर्पियो चोरी में संदिग्ध मोबाइल नंबरों का डेटाबेस तैयार कर शातिर वाहन चोर श्रवण देवासी को दस्तयाब किया गया। शातिर वाहन चोर द्वारा लग्जरी वाहनों की चोरी कर स्वयं के गैराज में चोरी के वाहनों को परिवर्तित मॉडिफाइड कर चोरी के वाहनों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले का तस्करों को सस्ते दाम में बेच देता था। तस्कर इन चोरी के वाहनों को अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने में उपयोग में लेते हैं। वाहन चोर पूर्व में जोधपुर शहर व राज्य के अन्य शहरों से कई लग्जरी वाहनों की चोरियां कर चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना खेड़ापा के एनडीपीएस एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहे जिले का टॉप 10 वांछित 15,000 का इनामी अभियुक्त रेवंतराम को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज द्वारा रेंज में वांछित चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे धर कर भर अभियान के तहत गोपाल सिंह लखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जोधपुर ग्रामीण निर्देशन में जिला विशेष टीम को जिले में लंबे समय से विभिन्न प्रकरणों में फरार चल रहे अभियुक्तों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए, जिस पर जिला विशेष टीम प्रभारी कन्नीदान उप निरीक्षक के नेतृत्व में कांस्टेबल पप्पू राम की आसूचना पर एनडीपीएस के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे जिले का टॉप 10 वांछित 15,000 के इनामी अपराधी रेवंतराम पुत्र उमाराम राम जाति जाट निवासी कास्टी पुलिस थाना खेड़ापा को दस्तयाब कर पुलिस थाना खेड़ापा को सुपुर्द किया। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले जिला विशेष टीम प्रभारी कन्नीदान श्रवण कुमार, चिमनाराम, भवानी चौधरी, वीरेंद्र खदाव, मोहन राम, पप्पू राम, हरसुख राम, मदन मीना, सुरेश डूडी तकनीकी सहयोग को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। अड़सठवीं राज्य स्तरीय अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता छात्र व छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता श्री सरस्वती बालवीना भारती स्कूल सिरोला बेरा सूरसागर की मेजबानी में गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में शुरू हुई। प्रतियोगिता संयोजक भूरा राम चौधरी ने बताया कि 11 नवंबर तक ये प्रतियोगिता गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार को सुबह किया गया। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से 1206 खिलाड़ी एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट्स में खेलेंगे। प्रतियोगिता में सभी जिले एवं 3 अकादमियों से 607 बालक एवं 599 बालिकाएं भाग ले रही हैं। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
छीपार शहर में श्री मेयर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज समिति द्वारा आयोजित प्रथम हिक विवाह सम्मेलन के पदाधिकारी मोहनलाल जी सोनी उपाध्यक्ष और निमंत्रण समिति के कमल जी अग्रोया और सोहन लाल जी मिरिंडिया ने अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष तुलसीराम सोनी को निमंत्रण पत्रिका देकर सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारने को आमंत्रित किया। प्रदेश अध्यक्ष तुलसीराम सोनी ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन में हाजिर होने की स्वीकृति दी। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।